बारिश के दिन शुरू हो चुके हैं और आप मुझे अक्सर पूछते हो कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है कि आप बारिश के दिनों में चलने वाला सीजनेबल ये बिजनेस कीजिए, तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। कई मित्र ये भी सोचते हैं कि भी सीजनेबल बिजनेस नहीं करना चाहिए, इसमें तो 3-4 महीने प्रॉफिट होता है, फिर बाद में क्या होगा। तो देखिए भाई, जो सीजनेबल बिजनेस है इसमें कई बिजनेस तो ऐसे भी हैं जिनमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो 3-4 महीनों में इतना प्रॉफिट कर लेते हैं कि पूरी साल इनको फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप दिल्ली के सदर बाज़ार से माल खरीदना चाहते हो तो कैसे खरीदें और आपको वहाँ क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और होलसेल में वहाँ से माल कैसे खरीदा जा सकता है, इनकी सारी बातें आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो प्रणाम मेरे प्यारे पृथ्वीवासी, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट ये बिजनेस भी सीख लेते हैं। कई मित्र मुझे कमेंट करके अक्सर पूछते हैं कि भाई आपका मोबाइल नंबर दे दो सर, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। तो इन सारे मित्रों के लिए अच्छी और खुश खबर है कि अब आप जब चाहो तब मुझसे बात कर सकते हो। तो इनके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, बस अपने मोबाइल फोन में एक कॉल मी फॉर एप्स जो है वो डाउनलोड करनी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको मेरी कॉल मी फॉर एप की आईडी जो है वो आपको मिल जाएगी। आप इन आईडी का यूज करके आप मुझसे कॉल मी फॉर एप के थ्रू बात कर सकते हो, कहीं भी कभी भी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ छाता यानी कि छतरी और साथ में रेनकोट भी, उनका होलसेल मार्केट कहाँ है, माल कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। यूजिन थ्रो के लिए जो रेनकोट आते हैं यानी कि जो रेन कार्ड है, रेन कार्ड की भी मैं बात करने वाला हूँ। छाता या रेनकोट का अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, होलसेल स्टार्ट करना है, तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है कि यहाँ आपको दुकान लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, और मगर आपको यहाँ लेना है गोडाउन जो कि मेन रोड पर नहीं है, थोड़ा पास में है, तो इनका जो है वो रेट बहुत ही कम होगा। तो आपको एक अच्छा सा गोडाउन ले लेना है ताकि वहाँ आप अपना माल स्टॉक कर सकें। अब सीधी बात करते हैं कि आपको माल कहाँ से खरीदना है। देखिए अगर छाते की बात करें तो छाता जो है वो आपको 40 रुपए से लेकर 150, 200, 250 रुपए तक के अलग अलग क्वालिटी में आपको मिलते हैं, और अगर रेनकोट की बात करें तो वो भी आपको 150 रुपए से लेकर 250, 300 रुपए तक अलग अलग टाइप के रेनकोट भी मार्केट में मिलते हैं। रेनकोट में अलग अलग ब्रांड भी आती हैं जैसे कि जिल, केसरी, श्वेता, इतवारी, वैसे अलग अलग ब्रांड हैं। आप इन ब्रांड के भी रेनकोट खरीद सकते हो और बेच सकते हो। अब माल कहाँ से खरीदिए, देखिए हर स्टेट में कोई ना कोई बड़ा सिटी होता है और वहाँ हर चीज की होलसेल मार्केट होती है, जैसे कि गुजरात में अहमदाबाद है, राजकोट है, तो सूरत है, वैसे ही दिल्ली में दिल्ली है, महाराष्ट्र में बॉम्बे है, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल है। कहीं पर भी कोई भी स्टेट में आपके आसपास बड़ी सिटी होगी ही होगी, और उन बड़ी सिटी में से आप ये रेनकोट हैं और छाता हैं उनकी खरीदी कर सकते हो। क्योंकि देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि भी सीधा मैन्युफैक्चरर के पास से माल खरीदे, आपको तो यही देखना है कि कौन पार्टी है जो हमें सबसे कम रेट में और बेस्ट क्वालिटी का माल देती है। आपको मैन्युफैक्चर की ज्यादा बातों में नहीं आना है, वो बोलते हैं हम मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर इनसे कोई मतलब नहीं है, वो मैन्युफैक्चर करे या ना करे, आपको तो बेस्ट क्वालिटी और सस्ता माल कौन दे रहा है उनके पास से हमें माल खरीदना है, कोई भी चीज हो। YouTube में कई मित्र बोलते हैं कि भी सदर बाजार है दिल्ली में जहाँ से आपको छतरी वगैरह अच्छी तरह से और बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगी। देखिए दिल्ली में तो बहुत मार्केट है, सदर बाजार है, आजाद मार्केट है, चांदनी चौक है, करोल बाग है, कई तरह के मार्केट हैं, और हर मार्केट में कुछ ना कुछ अच्छे व्यापारी बैठे ही हैं, और हर मार्केट में कुछ ना कुछ चीटिंग करने वाले व्यापारी भी बैठे हैं। जब भी आप माल खरीदने के लिए जाते हो तो आपको ये देखना है कि मैं जिनके पास से माल ले रहा हूँ वो बड़ा और एक होलसेल व्यापारी होना चाहिए, तभी आपको होलसेल में माल मिल सकता है। वरना तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप राजकोट से दिल्ली जा रहे हो और राजकोट से जो चीज होलसेल में मिल रही है उनसे भी ज्यादा रेट देकर आप दिल्ली से लेकर आओगे, ये भी हो सकता है और कई लोगों के साथ हुआ है जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपने लोकल मार्केट में उन जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में थोड़ा समझ लेना है,
उनके रेट भी यहाँ लोकल पहले चेक कर लेना है कि भी लोकल में होलसेल रेट क्या है, फिर आपको बड़े मार्केट में जाना है और आपको वहां से खरीदी करनी है। देखिए YouTube में जो है वो कई मित्र जो हैं वो स्पॉन्सर वीडियो बनाते हैं, जब आप इनकी वीडियो देखते हो तो आप उन दुकान में उन मार्केट में पहुंच जाते हो और आप वहां जाकर आप उनसे बोलते हो कि भाई मैंने फला यूट्यूब चैनल पर आपका वीडियो देखा था और वहां यूट्यूबर ने कहा था कि अगर आप मेरा नाम लोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब भाई जब आप एक बात ध्यान रखें, अब आप होलसेल में माल खरीदने के लिए जा रहे हो तो आपको किसी पर किसी का नाम देने की क्या ज़रूरत है। अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैंने यूट्यूब का वीडियो देखा और यहाँ आ चुका हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जो शॉप हैं जो यूट्यूबर ने बताई है वहाँ से खरीदी ना करिए, या ये गलत हैं, गलत नहीं है। अगर आप इनका नाम दोगे तो जो सामने वाला व्यापारी है इनको समझ में आ जाएगा कि बंदा बिल्कुल नया है, इनको कुछ भी जानकारी नहीं है तभी तो ये नाम ले रहा है, तो वो आपको ठीक से क्वालिटी का माल भी नहीं देंगे क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होगा। ज़्यादातर तुरंत पहुंच जाते हो थोड़ा पता होगा कि कौन सी क्वालिटी कैसी है वगैरह, कुछ भी किसी का नाम नहीं देना है। आप मार्केट में जाइए, आप दिल्ली के सदर बाज़ार में जा रहे हो, जाइए सदर बाज़ार में, वहाँ जितने भी व्यापारी हैं उन सारे व्यापारियों से मिलिए, जो बड़े बड़े होलसेल हैं उन सारे बड़े बड़े होलसेल से मिलिए और जहाँ से सबसे कम रेट में आपको माल मिल रहा है उनके पास से माल खरीदिए। दूसरा, कई मित्र ऐसा भी बोलते हैं, कुछ एक दो मित्रों ने मेरे को बताया कि भी हम सदर बाज़ार से जब माल लेकर आ रहे थे ट्रेन में या बस में वगैरह, जब बस पोर्ट पर, तो जो सदर बाज़ार के जो व्यापारी हैं वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस पीछे पीछे हमारे पास आती हैं और कुछ पैसे पड़ाती हैं। ऐसा तो शायद नहीं होता होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि व्यापारी ऐसा तो नहीं करेगा, मगर फिर भी अगर ऐसा कुछ व्यापारी करते हैं तो पहली बात तो ये है कि जब आप सदर बाज़ार से कोई माल खरीदते हो तो आपको माल अपने साथ में लेकर नहीं आना है कि बस में या ट्रेन में अपने साथ लेकर आओ, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास GST नंबर है तो आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल बेच सकते हो, अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो भी आप माल अपने साथ लेकर नहीं आना है, आप माल भेज सकते हो। अब वो कैसे भेजना है वो मैं वीडियो में आपको नहीं बता सकता हूँ, आप मेरे को कॉल मी फॉर ऐप से कॉल करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको इस टाइप से अगर माल लाना है तो कैसे लाना है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप नए नए हो और नए नए शुरुआत कर रहे हो बिजनेस की, तो आपको दिल्ली बॉम्बे वगैरह बड़ी बड़ी सिटी में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपके आसपास में जो भी होलसेलर हैं उनके पास से जो है वो आपको खरीदी कर लेनी है। क्योंकि दिल्ली अगर जाओगे तो आपके जो आसपास होलसेलर हैं वो जो रेट से माल खरीदते हैं उन्हीं रेट से आप माल कभी भी नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी बड़े होलसेलर हैं, आपके पास नहीं होगा, आप किसी भी पास के पास से माल लेके आ जाओगे तो आपको सबसे पहले अपने लोकल में बड़े होलसेलर हैं उनके पास से माल खरीदिए, स्टार्ट करिए और बाद में दिल्ली वगैरह जाना। ये जो आप देख रहे हैं ये है रेन कार्ड, यानी कि ये बहुत ही छोटा है और ये पॉकेट में आ जाता है। जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपके पास रेनकोट नहीं है और अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है, तभी आप अपने पॉकेट में से ये रेन कार्ड निकाल के इनको पहन सकते हो और ठंडी से और बारिश से बच सकते हो। ये जो रेन कार्ड हैं उनकी प्राइस जो है वो अभी अमेजन में 110 रुपये हैं, मैंने अपना अमेजन स्टोर बनाया है, उन अमेजन स्टोर में आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। अगर आपको और भी कुछ खरीदना है तो भी उन अमेजन स्टोर से खरीद सकते हो, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये जो रेन कार्ड हैं अगर हम इनके होलसेल प्राइस की बात करें तो इनकी होलसेल प्राइस हैं 30 से 35 रुपये। आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए 50 या 100 पीस तो आप अमेजन से ना खरीदें, एक या दो पीस सिर्फ देखने के लिए आप अमेजन से खरीद सकते हो, बाकी आप होलसेल मार्केट से खरीदिए। ये 35-40 में आता है, आप चाहो तो इनको ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, ऑफलाइन भी सेल कर सकते हो, आप इनको 100-150 रुपये में तो बड़े ही आसानी से बेच सकते हो। अब बात करते हैं सेल कैसे करें। देखिए सेल कैसे करें उनके लिए ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, आपको दोनों के लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप दो वीडियो को इन वीडियो को देखने के बाद देख लेना ताकि आपको सेल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं यह छाते की रेनकोट की सेल कैसे करनी है। देखिए जब भी आप मार्केट में जाते हो, बारिश के दिन जब आ जाते हैं, तो छोटी दुकान हो, परचून की हो, कॉस्मेटिक की हो या बड़ी दुकान हो, करीब करीब हर दुकान वाले छाते या रेनकोट बेचते हैं। तो ये लोग जो छाते रेनकोट बेचते हैं ये थोड़ी कम क्वांटिटी में खरीदते हैं क्योंकि इनको रिटेल में बेचना है। अब आपने होलसेल में माल खरीदा है तो आप इन लोगों के पास जा सकते हो और किसी को 10 पीस, किसी को 20 पीस, किसी को इससे ज़्यादा या कम पीस आप बड़े आसानी से इनको बेच सकते हो। दूसरा, जो रेकड़ी वाले हैं जो भी कोई 40-50 पीस लेके अपनी रेकड़ी पर पूरे मार्केट में घूमते रहते हैं और बेचते हैं, तो इन लोगों को भी आप माल सेल
कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन बिजनेस को आपको 50,000 से 1,00,000 रुपए से आपको स्टार्ट करना चाहिए। आप चाहो तो छतरी या रेनकोट को ऑनलाइन भी अमेजन और फ्लिपकार्ट की साइट पर भी सेल कर सकते हो। अगर प्रॉफिट की बात करें तो आपको इन बिजनेस में 5 से 10% प्रॉफिट मिलने वाला है। इसमें ज़्यादा भी मिल सकता है, वो आप किस रेट से बेच रहे हो और किस रेट से खरीद रहे हो उन पर तय करता है। बारिश के दिनों में चलने वाले इसी टाइप के और दो बिजनेस की वीडियो मैं आने वाले कुछ ही दिनों में अपलोड करने वाला हूँ, तो सारी वीडियो को ज़रूर देखना। आज के वीडियो में इतना ही था, हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।